धन्यवाद सभापति महोदय। आज सदन के अंदर में रेल के अनुदान की मांग पर चर्चा हो रही है। सही कहा हमारे साथी मित्र मनोज तिवारी जी ने कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी वैष्णवी जी के द्वारा जो लगातार पूरे देश के अंदर में रेल के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसमें माननीय मंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे लगा कि हमारे मित्र मनोज तिवारी जी कुछ और शेर कहेंगे, परंतु बड़ा कम शॉर्ट में उन्होंने अपनी बात को रखा। तो उन्होंने मैं सिर्फ आपके इस अनुदान पे जो आप मांगे रख रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो सही में बहुत कम है, आपको और अधिक दी जाए ये हम सभी की इच्छा है। उसका मेन मूल आधार ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी सोच है, देश के लगभग लगभग 90% लोग रेल में ही सफर करते हैं। पूरी देश को अगर कोई जोड़ता है तो रेलवे ही जोड़ता है। बहुत ऐसी जगह है जहां सड़क अभी नहीं पहुंची है परंतु रेल वहां पहुंचा। मैं माननीय मंत्री जी आपसे बतलाना चाहता हूं, मेरे सीतामढ़ी जो मैं सीता जी की जन्मस्थली से आता हूं, हमारा एक ब्लॉक बैरगिनिया आजादी के 65 साल तक वहां रोड नहीं था, वहां रेल ही जाती थी। सीतामढ़ी का बैरगिनिया जाने के लिए लोग रोड का इस्तेमाल नहीं बल्कि ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। वो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो वहां पुल बने और अब वहां रोड जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां कोई नहीं पहुंचे वहां रेल पहुंचती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और रेल के प्रति लोगों की, देश की एक एक नागरिक का विश्वास है, एक आस्था है, और आप लगातार निरंतर उस आस्था को बनाए रखने में और अधिक लोगों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूं। रेल संबंधित बहुत सारे काम हुए, कितने को गिनवाऊं, कुछ मेरी अपनी तकलीफ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि सीतामढ़ी को अयोध्या के तर्ज पर, जहां प्रभु श्री राम का अगर जहां विकास हुआ है वो क्षेत्र, तो मां सीता की भी जन्मस्थली सीतामढ़ी का विकास हो। आपको धन्यवाद देता हूं, आपने सीतामढ़ी स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का चयनित किया, परंतु फिर उसके सगा ये कहना चाहता हूं अभी तक में उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ जो दिखे। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक हमारे यहां आरओबी है, महसौल आरओबी 56, उस पर आपने राशि स्वीकृत कर दी। ये राशि बहुत दिनों से लंबित थी, उसका रिवाइज एस्टिमेट बना, पहले एक पिलर बन के खड़ा रहा, काम बंद हो गए, उसके बाद कितने आए सांसद बोल के चले गए, परंतु आपने उस पर इंसेंटिव लिया और उसके लिए राशि मुक्त कर दी। परंतु फिर टेंडर किसी ने नहीं लिया, दोबारा टेंडर करवा के उसको किसी को अलॉट करावे ताकि वर्क शुरू हो जाए। उसके कारण आए दिन जो वहां पर ट्रैफिक जाम होता है, दो पेशेंट अभी तक ले मेरी जानकारी में जो डेथ कर गए, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वो आरओबी के नहीं बनने के कारण। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी से पटना के लिए ट्रेनें चलती है, आपने चलाया है। सीतामढ़ी से पटना 150 किलोमीटर है, बसें 3 घंटा में पहुंचती है और आपकी ट्रेनें 6 घंटा पहुंचते 7 घंटा लेती है। जहां एक तरफ आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, एक तरफ वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं और एक तरफ हमारे सीतामढ़ी से पटना 150 किलोमीटर में 7-7 घंटे ट्रेन ले रही है, कौन सी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। एक हमारे सीतामढ़ी से पटना के बीच में रूनी सैदपुर, जहां पर रूनी सैदपुर और रूनी सैदपुर हॉल्ट करके दो स्टेशन थे, दोनों में पहले ट्रेन रुकती थी इंटरसिटी। अब आप नए कोविड के बाद जब आपने चालू किया तो एक स्टेशन पर रुक रही और एक पर रोक लग गई। ये दोनों स्टेशन पर रुकती थी, जो अगर पूर्व से था तो इसको बरकरार रखा जाए। जीएम साहब ने उसके लिए रेल बोर्ड को मंजूरी हेतु भेजा है कि वहां पर लोगों ने आंदोलन किया था और रेलवे लाइन को जाम किया था, तो वहां से आया हुआ है कि पूर्व में रुकती थी, अब से पुनः इसको रोकने का उन्होंने आपके पास भेजा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय रेल मंत्री जी से कि संबंधित रेल बोर्ड को निर्देश दिया जाए, कल से उसको चालू किया जाए। दूसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने सीतामढ़ी से रक्सौल सिकटा होते हुए नरकटियागंज
लाइन तैयार किया, उसके अंदर में आपने इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियां समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज निकालेंगे तो रेलवे को 3 घंटा मिनिमम, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों को 3 घंटा मिनिमम टाइम की बचत होगी और रूट भी आपका नजदीक होगा, रेलवे को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी 3 घंटे का समय मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, विनती, निवेदन होगा कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों को समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, सिकटा होकर नरकटियागंज, गोरखपुर होकर दिल्ली लाया जाए और जयनगर, दरभंगा से चलने वाली ट्रेनों को भी मेरा आपसे निवेदन होगा कि सीतामढ़ी से उसको निकाला जाए, क्योंकि मां जगत जननी की जन्मभूमि सीतामढ़ी, जिस पर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और आपका भी विशेष ध्यान है मैंने देखा है। और एक आग्रह, विनती, निवेदन और आपसे माननीय मंत्री जी करना चाहूंगा कि हम लोग जो पत्र देते हैं आपका पत्र पर तुरंत मेल पर उसका रिप्लाई आता है, ये बहुत, परंतु उसमें मेरा रेफरेंस नंबर हो तो मुझे पता चले कि मेरा कौन सा चिट्ठी मिला। पत्र आपके आते हैं परंतु उसमें रेफरेंस नंबर का कहीं जिक्र नहीं होता, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आपके जो पत्र आए उस पर यह ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पटना राजधानी नई दिल्ली से पहले, कोविड से पहले 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती थी, अब आपने उसको 7 और 8 नंबर पे भेज दिया, वो आती है और वहां से जाती है। माननीय रेल मंत्री जी, हम लोग जो बिहार से आते हैं, हम लोग जब बिहार से ट्रेन में बैठकर दिल्ली आते हैं तो अपने घर का चावल, दाल, आटा, सब्जी लेकर भी आते हैं। पहले 14 नंबर पे उतरते थे, अजमेरी गेट तरफ गाड़ी रहती, जब 7 नंबर में उतरते हैं हम बिहारवासी, जब चलते हैं तो एक झोला जरूर सब्जी वहां का, अपने खेत का ताजा लेकर आते हैं। इसलिए हमारे उस पर भी ध्यान दिया जाए, हमारे उस राजधानी को पुनः जिस प्लेटफॉर्म से चलती थी वहां चलवाया जाए। 16 से चलती थी, पहले से 16 में ही 16, फिर 15 हुआ, 14 हुआ, अब एक बार 7 पर चला गया। महोदय, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है और आपकी भी है कि वंदे मातरम ट्रेन चालू किए जा रहे हैं 400। मेरा हाथ जोड़ के कल जोर निवेदन होगा कि वंदे मातरम हो चाहे वंदे भारत हो, दोनों एक है। अरे वंदे भारत भी वही है और वंदे मातरम भी वही है, महामारा जो मातरम है वही तो भारत है, भारत कोई थोड़ी दूसरा है, जो भारत है वही वंदे मातरम है। भारत माता, भारत पिता भी सेम। तो अब जो न समझ पाए उनके लिए मैं क्षमा चाहते हुए, वंदे मातरम ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी सीतामढ़ी से चला जाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और आपको कि आपने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो पूरी तरह वहां से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है और फिर वापस आकर दिल्ली से चलती है और अयोध्या होकर आती है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परंतु मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब आप अपना भाषण देंगे उसमें आज मां सीता के लिए कुछ आपके तरफ से, राम जी के साथ साथ सीता जी की नगरी के लिए कुछ घोषणा हो, इस प्रार्थना और इस उम्मीद के साथ। और लास्ट में मैं एक लाइन का के बात खत्म करना चाहता हूं। महोदय, अभी रेलवे के एग्जाम हुए थे, बच्चों ने एग्जाम कंप्लीट किया, लगभग 2 लाख बच्चों ने, उनके मेडिकल भी करा लिए गए, परंतु अभी भी आपके टेक्नीशियन और सेफ्टी में 1.5 लाख पोस्ट खाली है। उनके जिनके मेडिकल्स हो गए हैं, जिनको आप रखना चाह रहे हैं, उन्हें बच्चों को, नौजवानों को नौकरी दें, क्योंकि कोविड के बाद पूरी देश के नौजवानों को रोजगार की सख्त आवश्यकता है, रेलवे को भी उन नौजवानों की जरूरत है। इसलिए मैं आपका विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि उन बच्चों के भविष्य के लिए आप जरूर से जरूर उन्हें नौकरी में मौका देने का काम करेंगे। माननीय सभापति जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी उम्मीद के साथ कि मां जानकी का भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री भर्तृहरि महताब जी।